बंदे होते थे तो वो मैनुअली देते थे। मैनुअली टांग में, पहले टांग खींचते थे, पैर खींचते थे। हाँ वैसे खींच के मतलब। तो कितने लोग लगते थे खींचने में? श्रवण काफी सारी जगह जाके अपना ट्रीटमेंट करा चुका है, तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि क्या क्या आपने कराया, क्या क्या दिक्कत है। आज श्रवण ने हैजामा कराया है और अब ये एडजस्टमेंट कराना चाहता है, तो श्रवण से ही मैं सुनूंगा कि प्रॉब्लम्स क्या है, व्यूअर्स को बताओ ताकि। लोअर बैक पेन और इधर मतलब शोल्डर सर्वाइकल टाइप का जो आता है कई बार, वो पेन है। मतलब रेडी होता जब भी कोई वेट उठाओ ना 5 kg से, तो नेक्स्ट डे मतलब पेन स्टार्ट हो जाता है। हाँ तो बाकी बताओ, जैसे आपने कंसल्टेशन के टाइम बता रहे थे, क्या करते हो, क्या क्या किया अभी तक? अभी तक तो काफी सारे डॉक्टर का ट्रीटमेंट किया है, बाकी है ना फिजियोथेरेपी कराई है और दो तीन जगहों पे और मतलब जहाँ तिलक नगर पे और क्या कहते हैं एक जगह पे और कराई थी। सरदार जी करते थे वो ट्रीटमेंट टाइप का। क्या करते थे वो? एक्चुअली में ड्राई कपिंग रहता था उनका थोड़ा। अच्छा, ड्राई कपिंग क्या होती है? पता नहीं, वो टेढ़ा आगे थोड़ा सा कप रख के उसको खींचते हैं। खींचते थे। अच्छा, तो कितनी देर करते थे वो ड्राई कपिंग? वो 10-15 मिनट करते थे। अच्छा, और क्या चार्ज क्या होता था उनका? उनका मतलब डिपेंड करता था कितना करा ले, तो मेरा ऑलमोस्ट आई थिंक 1500 रुपये लग जाता था एक बार में। एक बार में क्योंकि तीन दो तीन जगह कराता था मैं। जैसे कौन कौन सी जगह? एक तो ये क्या कहते हैं सर्वाइकल रीजन का और एक बैक का है ना वहां का, और मतलब एक ही दिन में दो जब भी जाता था 2 बार करा लेता था ताकि फिर टाइम बच जाए। टाइम बच जाए, बार बार नहीं आया। सुबह जा लेते थे शाम को? फिर शाम को वही रुक जाता था मतलब। अच्छा, 12 छुट्टी लेके पॉसिबल नहीं होता था ना काम, तो मैंने कराया था काफी दिन तक। तो सुनाल जी जब करते थे उसके बाद आराम मिलता था? आराम मिलता था, लेकिन फिर वो एक दो दिन बाद फिर वैसे ही हो जाता था। वैसे ही हो जाता था। और आप एक जगह और गए जो बता रहे थे, कहाँ पे, जहाँ पे आप दोबारा नहीं गए? इधर है एक बहुत फेमस यूट्यूब पे है, मतलब न्यूरोपैथी के नाम से ऊपर ऊपर आता है, तो वहां मैंने कराया था। तो न्यूरोपैथी क्या होती है, हमारे व्यूअर्स को भी बताओ, वो भी देखेंगे। एक्चुअली में वो कैसे करते थे कि मैनुअल करते थे वो, जैसे पहले आप आपको लेटा के मतलब थोड़ा सा खींचते रहते थे, उसके बाद फिर वो उनके पास बंदे होते थे तो वो मैनुअली देते थे। मैनुअली टांग में, पहले टांग खींचते थे, पैर खींचते थे। हाँ वैसे खींच के मतलब। तो कितने लोग लगते थे खींचने में? मतलब दो बंदे करते थे, उसके बाद वो तो 2 मिनट का होता था, उसके बाद मतलब जो सेशन होता था वो मैनुअली वो मतलब उनके पास होता था, मतलब एक बंदा वो असाइन कर देते थे, फिर वो उसको पैर रखता था जहाँ पॉइंट होता है ना। अच्छा, उधर पॉइंट थोड़ा पुरानी बदलती है, ये शायद पुरानी है। हाँ, तो आप इन सब चीजों के चक्कर में कैसे पड़ गए? मतलब उस टाइम तो यूट्यूब पे देखना डॉक्टर का फायदा नहीं हो रहा था मतलब। तो आप तो पढ़े लिखे हो, आईटी हो, आपको तो जान मालूम होना चाहिए कि कैसे एजुकेटेड डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्वैक्स के पास नहीं जाना चाहिए। क्वैक्स होते हैं जो डॉक्टर नहीं होते हैं। तो पहले डॉक्टर पे ट्राई किया था मैंने, एलोपैथी डॉक्टर जो होते हैं। हाँ, तो मतलब उस तरीके से आराम नहीं आ रहा था, मतलब जब से ये एक्सरसाइज स्टार्ट करो प्रॉब्लम बढ़ जाती थी, मतलब इस चक्कर में जिम जाना भी छूट गया ना सब वगैरह, सब सही चीज हो गया, सब वेट भी बढ़ गया। तो आप मेरे पास कैसे आए? आपका मैंने एक राजवीर फिटनेस पे देखा था, उनका पूरा वीडियो था शायद, तो वहां से मैंने देख के मैंने कहा कि वहीं यहाँ पे गया था। अच्छा, और आपको ये कैसा लगा कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, आपने जमा कराया? ये एक्चुअली में बहुत सारी चीजें पढ़ी, वेट के सिम्टम वगैरह काफी टाइम से ऑब्जर्व किया, तो समझ में आ गया क्योंकि बहुत सारा ट्रीटमेंट ले चुका हूँ ऑलरेडी डॉक्टर्स का जो होता है ना, तो वो जो मेडिसिन लिख रहे हैं उसका थोड़ा रिसर्च भी किया है, कौन सा लिख रहे हैं ना, और मोस्टली न्यूट्रिशन बेस्ड लिख रहे हैं, और कहते हैं ब्लड के लिए जो होता है ना सप्लाई करने वाला है, एल-कार्निटाइन, इवन जिम में भी लोग यूज करते हैं उस टाइप का, तो उससे थोड़ा आइडिया लगा कि शायद यहाँ पे जाके होगा। और वैसे मैंने बीच में वो हो रहा था, जैसे मैं ऑफिस में वर्क करता था तो मैं L4-L5 पे कप लगा वहां पे लगाने काम करता था, तो वो जब तक लगा रहता था। तो अपने आप कैसे लगा लेते थे? पाइप लगाते हैं। अच्छा अच्छा, पाइप हाथ में पकड़ लिया। एक्चुअली मैं उनपे कह रहा था वो कहाँ पे लगा रहे थे, नोट किया था, तो मैंने भी एक दिन लगा के देखा क्योंकि बार बार तो होता नहीं ना, फिर बैठो लॉन्ग आवर्स में, आईटी में जॉब कर रहे हैं, तो मैंने लगा के देखा तो ये तो आपने भी लोगों के किया होगा राइट? नहीं, घर वाले सब डर जाते हैं इसको देख के।
देख भूल जाते हैं, करके दिखा देते हैं हमको भी मजा आता। अरे वो लोग तो कह रहे हैं क्या निशान लगा ली। अच्छा आपके घर वाले कहाँ से, आप कहाँ से हो? आगरा से। आगरा तो बड़ा फेमस जगह है, सब्जी पूरी और जलेबी इन सब के लिए तो खाते होते हैं, नहीं खाते हो? अभी तो सब छोड़ रहा है। अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन के चक्कर में इंटरमिटेंट फास्टिंग में सब छोड़ दिया था। अच्छा डाइट पे हो? नहीं डाइट पे पहले थे तो अब तो खूब खाया कि क्या पता वो पेन खत्म हो गया हमें सर के लिए। हाँ हाँ पेन ही खत्म हो गई थोड़ी। तो दोस्तों आगरा के लोग बहुत मजाकिया होते हैं जैसे ये है, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ये मैसेज यही है कि प्लीज क्वेक्स के पास में मत जाइए, आपके आसपास कोई ना कोई अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट। पता नहीं होता ना एक्चुअली, प्रॉब्लम ये है कि आप ढूंढो ना इस तरीके का। मैं आगरा में ढूंढ रहा था, वहां पे नहीं मिला मुझे। तो हम जाएंगे, आप जगह पे मैं गया था लेकिन वो बहुत ही हाइजीनिक नहीं लग रही थी मुझे, तो फिर मैंने कहा यार एक जगह में तो वो देखो कपिंग करना कायरोप्रैक्टर नहीं हो जाता, कपिंग करना डॉक्टर नहीं हो जाता है ना। आजकल हर किसी को जितने फिजियो कॉल नहीं करते ना उन डॉक्टर्स कॉल नहीं करते, उससे ज्यादा क्वेक्स कॉल करते हैं और फिजियो कम पैसे देते हैं, क्वेक्स जो होते हैं उनसे जितने चाहे उतने चार्ज कर लो। ठीक है तो ये सारी चीजें हैं, बट पेशेंट को अवेयर होना चाहिए कि क्या क्या चीजें पता होना चाहिए कि राइट जगह पर कैसे जाए ताकि आपका इलाज हो सके। स्टार्टिंग में तो सब मजाक में ले लेते हैं ना, चक्कर ही है। बिल्कुल कि अपने ठीक हो जाएगा। और अब मैं इसका एडजस्टमेंट दिखाता हूँ, और हिजामे के बाद कैसा फील हो रहा है? बहुत बैक में तो काफी मतलब ठीक ही हो गई। अच्छा मतलब भारी लग रहा था खत्म हो गया अभी तो, अब एक दो दिन बाद एग्जैक्टली पता चल जाएगा और हीलिंग होगी तो और अच्छे से पता चलेगा। दो तीन बार कराऊंगा तो हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। और आप एडजस्टमेंट कर रही है? एडजस्टमेंट बहुत पहले एक बार करेगी बट उनका उतना मतलब ऐसा नहीं था जैसे मेरे लोग करते हैं ना, एक्चुअली में नया उन्होंने सीखा था। अच्छा मोस्टली फिजियोथेरेपी करते थे आगरा में ही कराई थी। अच्छा बट वो शायद उस टाइम नहीं थे, वो टाइम नीडल में ज्यादा परफेक्ट थे। अच्छा क्या नाम था उनका? उनका कुछ सिंह नाम था, तो टाइम हो गया उनके काफी। अरे यार अपने डॉक्टर का नाम तो याद रख लिया नाम, बढ़िया डॉक्टर है वो। अच्छा बढ़िया डॉक्टर है ना, बढ़िया। चलो यहाँ पे भी डॉक्टर नोएडा में उनसे भी वो खाली फिजियोथेरेपी है। क्या नाम है उनका? खाली चाय डॉक्टर, वो भी अच्छी है। फिजियोथेरेपी से टाइम लग जाता है एक दो महीना आराम से, तो घर बैठे थे उससे टाइम लगना चाहिए। चश्मा निकालो, हाथ साइड में रखो, इजी, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया से टाइट कर रखा है इन्होंने, मसल बना रखी है, पूरा इम्बैलेंस है। नाइस नाइस, टर्न कर लो मेरी तरफ, मजबूत भी तो होते हैं। तो मैं सब करा चुका, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बहुत अब देखो इसके बैक की मेरी कोई मोबिलिटी नहीं है, जो भी थोड़ी है वेरी गुड। इस तरीके की कोई नहीं निकाल पाया, पहली बार निकली है। पहली बार निकली है? मैं यही तो ढूंढ रहा था कब से कि मेरा यार ये कोई ऐसे कट कर दे तो मेरा ठीक हो जाए, वो ये पता थी बट कोई उस टाइम पता ही नहीं था। कोई बात नहीं, देर रात दुरुस्त है। आ जाओ रिवर्स, आपको भी कोई ऐसा कट करने वाला नहीं मिल रहा है तो आप हमसे संपर्क कर। एक मुझे दिखा था रजनीश का, तो वही उनका अपॉइंटमेंट देने की मुश्किल है। अच्छा वो जो बिहार के, हाँ वो बहुत फेमस है, बहुत फेमस है उनका, पर वैसे डॉक्टर बनने का कोई मिल जाए तो मेरा एक दो दिन में ठीक हो जाए। ठीक है आप हमारी वीडियो शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ ताकि लोगों को हमारे बारे में पता चले। आप उनसे डलवाओ राजगीर से, राजगीर तो हमारे दोस्त है, बट व्यूअर्स जब तक कि आपके जैसे लोग वीडियोस नहीं आगे शेयर करेंगे तो हमें लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? मुझसे आसपास में जो मुझसे पूछेगा तो मैं रिकमेंड करेंगे। अरे लिंक शेयर करो वीडियो के। अच्छा अच्छा
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एक मैसेज था जो फर्स्ट क्लास हो गया, एक मैसेज था इस वीडियो में, जिन लोगों को समझ आए, जो लोग समझते हो उस मैसेज को ग्रेस्प करें और अंडरस्टैंड करें कि हमारे वीडियो में क्या मैसेज है और ज्यादातर लोगों तक ये मैसेज को पहुंचाएं. थैंक यू.